हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक चौहान एंड वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रिसिटी आईसीएसई क्लास 10. दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, सो आप सभी का स्वागत है ग्रेविटा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे. यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि आपको आईसीएसई का जो फिजिक्स है वो अच्छे से बताया जाए और डिटेल में बताया जाए. ठीक है, तो किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम उसको एड्रेस करेंगे. ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो, पोटेंशियल तो कई तरह का होता है, आपने पढ़ा भी होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना. और पोटेंशियल का मतलब भी क्या होता है, अभी आएंगे उस बारे में बात करते हैं. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. आज का हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी. सो स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपको याद होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है. अगर दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ हो तो उनमें कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सन. अगर दो नेगेटिव चार्ज एक साथ हो तो उसमें कैसा फोर्स लगता है, रिपल्सन. अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो इन दोनों में कैसा फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये बात तो याद है, ठीक है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इन चार्जेस के अगेंस्ट जाके कोई काम करना चाहेंगे तो इनके साथ हमें जबरदस्ती करना, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज को अगर नजदीक लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो दोनों आपस में क्या होंगे, नजदीक आ पाएंगे. करते हैं इसके बाद, ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल का. क्या होता है इसका मतलब, पोटेंशियल. पोटेंशियल का वैसे भी इंग्लिश में अगर आप देखिएगा मतलब, तो ये किसी भी चीज के ना कैपेसिटी को बताता है, उसके टोटल कैपेबिलिटी को बताता है, ठीक है, काम करने के टोटल कैपेबिलिटी को बताता है. तो हम कहते हैं नारी के अंदर ना बहुत पोटेंशियल है, मतलब क्या है, उसके अंदर काम करने का बहुत ज्यादा क्षमता है, ठीक है. तो पोटेंशियल का सेंस एक्चुअली वही होता है, अगर ज्यादा पोटेंशियल है तो वो काम ज्यादा करेगा, अगर कम पोटेंशियल है तो वो काम कम करेगा. अभी करेंगे इसके बारे में. तो अभी पहले पोटेंशियल की बात करते हैं. इसको जानने के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. सबसे पहले हम एक चार्ज के लिए, ठीक है, और इस चार्ज को हम लोग बोल दिए प्लस क्यू, ठीक ठीक है. इस चार्ज को हम फिक्स कर दिए. फिक्स करने का मतलब क्या हो गया, ये मूव नहीं कर सकता, इसको मूव नहीं करने देंगे. और इसका नाम हम लोग दे देंगे सोर्स चार्ज. क्या नाम दे देंगे इसको, सोर्स चार्ज दे देंगे. अभी बताओ तो इस सोर्स चार्ज के बगल में अगर आप कोई भी एक छोटा सा चार्ज रख दोगे क्यू, और ये मूवेबल है, क्या ये मूवेबल है, और इसको हम लोग बोलेंगे टेस्ट चार्ज. क्या बोला हमने इसको, टेस्ट चार्ज. अभी देखो, सोर्स चार्ज बड़ा है, टेस्ट चार्ज छोटा है. सोर्स चार्ज और इनके बीच में कैसा फोर्स जाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन. इससे भी एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा और इससे भी एक फोर्स इधर की तरफ लगेगा. हमने बोला ये बड़ा चार्ज है, ये फिक्स है और ये मूवेबल है, मतलब ये मूव कर सकता है, ठीक है. तो क्या होगा बच्चों, पता है, ये चार्ज अपने आप मूव करने लगेगा, हमें इसे मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप मूव करेगा और कहां चला जाएगा, इंफिनिटी. आप समझो मेरी बात, हमने अभी तो कुछ भी किया, कुछ नहीं किया, एक बड़ा सा चार्ज लिया, उसके बाद में एक छोटा सा चार्ज रख दिया, बड़ा सा चार्ज को हमने फिक्स कर दिया, तो छोटा सा चार्ज अपने आप कहां चला गया, इंफिनिटी पे. ये भागेगा, इससे दूर भागेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन को क्या करेगा, फील करेगा, और तब तक फील करेगा जब तक कि वो चार्ज कहां चला गया, इंफिनिटी पे. चलो, तो हमारा ये टेस्ट चार्ज कहां पे आ गया, अब इंफिनिटी पे आ गया. ये तो बात समझ में आ गई, हमारा ये टेस्ट चार्ज कहां पे आ गया, इंफिनिटी पे आ गया, मतलब ये यहां से क्या हो गया, गायब हो गया. यहां से क्या हो गया, ये गायब, और ये चला गया कहां पे,
इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं ना। हमने यहाँ पे तेज चार्ज को रखा एंड बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्सन वो तेज चार्ज चला गया, कहा हमारा इनफिनिट पे चला। वेरी गुड। नाउ अभी उस पर ना इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लगता, नो फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज, क्योंकि वो कहां पे है, इन्फिनाइट पे। नाउ अगर मुझे इस चार्ज को वापस इसके नजदीक लाना है, मान लो यहां पे पॉइंट ए है और हमको इस चार्ज को जबरदस्ती खींच के यहां लाना है, क्या ये अपने मन से आएगा? नहीं। So what we need to do is, we need to do some work. We need to apply some external force on the charge so that it can come from infinity to point A. So I am doing some work. Let's take this work as W. Okay? I am taking this work as W. Now the charge is travel from infinity to point A. So we will take, we will call it as the work done to bring this W, the work done to bring this Q positive case charge from infinity to point A is W infinity A. W infinity A क्या है? W infinity A है हमारा work done to bring Q from infinity to point A. ठीक है, infinity to point A. और ये जो Q है हमारा, इसको हमने क्या बोला हुआ है पहले से ही आपको पता है, टेस्ट चार्ज। देखो मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं हो। Now this work done is work done to bring plus Q charge from infinity to point A is how much? W. ठीक है, चलो सर ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे इस पॉइंट A तक इस चार्ज को लाने के लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ा? W इन्फिनिटी A। तो यहां पे W infinity A is the total work done, total work done that is carried by us to bring that positive charge Q charge from infinity to point A. Now if I have to bring 1 coulomb of charge, then what will I do? I simply divide this total work done by Q. अभी बात को समझो, मान लो ऐसे समझते हैं इसको, ठीक है, कि 10 कूलम ऑफ चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए W वर्क डन करना पड़ा, तो 1 कूलम के लिए क्या करना पड़ेगा? W अपॉन 10। आई रिपीट अगेन, अगर मान लो 10 कूलम ऑफ चार्ज यहां पे है, इसको यहां से यहां लाने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ा W, तो यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा? W अपॉन जो भी चार्ज का वैल्यू होगा। सो वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए, इसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट, यूनिट मतलब एक पॉजिटिव चार्ज from infinity to point A, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? potential at point A. आपको बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं हम लोग? अगर इंफिनिटी से क्यू चार्ज को यहां से यहां लाने में W वर्क करना पड़ता है, तो यूनिट चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा? इस W को Q से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, और ये जो W अपॉन Q आया था, यही आया था इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो बेसिकली पोटेंशियल एट VA
इज वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। किसी भी पॉइंट का अगर आपको वर्क डन निकालना है पर यूनिट चार्ज, वही उसका क्या हो जाएगा पोटेंशियल। आप सपोज करो इसी चार्ज को अगर इंफिनिटी से हम लाते कहां पे, पॉइंट बी पे लाते, तो यहां पे जो पोटेंशियल होता वो क्या होता, वीबी होता, और वीबी का वैल्यू क्या हो जाता, वर्क डन टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी डिवाइडेड बाय क्यू, होता कि नहीं होता बताइए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दिस इज व्हाट, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी इज नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, Q को B तक लाने के लिए वर्क करना करना पड़ा ये W इंफिनिटी टू B, तो यूनिट चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन को फिर से डिवाइड करेंगे। नाउ अगर इन दोनों पोटेंशियल, देखो ये इंडिविजुअल पोटेंशियल है, दिस इज पोटेंशियल फॉर पॉइंट A एंड दिस इज पोटेंशियल फॉर पॉइंट B, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो कौन ज्यादा होगा, कहां पे लाने के लिए हमको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जितना ज्यादा सोर्स चार्ज के नजदीक जाना पड़ेगा उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अगर हम यहां पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट सी, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, वीसी का वैल्यू वी से भी बड़ा हो जाएगा, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज के नजदीक आप जाने का कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा आप वर्क करोगे और यूनिट चार्ज वर्क उतना ज्यादा आएगा, मतलब पोटेंशियल उतना ज्यादा आएगा। ये समझ में आया या नहीं, ठीक है, ये है हमारा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। तो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, दैट पॉइंट मे बी ए मे बी बी मे बी सी मे बी एनीथिंग। ठीक है, ये सिंपल पोटेंशियल का आपका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब थोड़ा सा डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रब करते हैं ताकि कुछ स्पेस मिले हम लोगों को। ठीक है, चलिए, तो चलो वापस से लिख लेंगे, ये चीज को फिर से लिखना है आपने को, लेकिन हम लोग वापस से इसको लिख लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तो बहुत इजी हो गया, जो पोटेंशियल समझ गए तो डिफरेंस भी निकाल लेंगे। ठीक है, सेम चीज करते हैं यहाँ पे, ठीक, एक टेस्ट चार्ज को रखेंगे और उसको छोड़ेंगे तो टेस्ट चार्ज कहाँ चला जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा, प्लस की, है ना, कहाँ चला जाएगा, ये इंफिनिटी पे चला जाएगा। ठीक, नाउ इस चार्ज को वापस हम ऐसा ही करते हैं, अगर इस चार्ज को हम लोग लेके आते हैं कहाँ पे, टू द पॉइंट ए, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग इंफिनिटी चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। उसी तरीके से अगर इसको थोड़ा सा और लेके आएंगे यहाँ पे, मान लो ये पॉइंट बी हो गया, तो यहाँ का क्या हो जाएगा, बी बी इज इक्वल टू वर्क डन इंफिनिटी बी अपॉन क्यू। ठीक, नाउ समझो मेरी बात, अब क्या है, एक चार्ज यहां है उसको यहां से यहां लाना है, ठीक है, तो ये है हमारा बी बी और ये है हमारा बी, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, बी बी माइनस बी ए, क्योंकि बी बी ज्यादा है, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, बी ए बी, इसी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पोटेंशियल से इसको घटा दो, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा भी आ गया, या इसी को हम लोग बोल देंगे बी ए बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आया ना, वैल्यू पुट कर दो, देखो तो बी ए बी में बी बी बड़ा है, इसे इसको पहले लिखा, अगर बी ए बड़ा होता तो बी ए को पहले लिखते, तो बी ए इज बी बी माइनस बी ए, बी बी का वैल्यू कितना है, वर्क डन इंफिनिटी बी डिवाइडेड बाई क्यू। देखो यहां इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसे इक्वेशन टू मान लेते हैं, देखो इक्वेशन वन से माइनस ये क्या है, वर्क डन इंफिनिटी ए डिवाइडेड बाय क्यू है या नहीं। नाउ सो फ्रॉम दे फ्रॉम हियर वी ए बी इज बेसिकली वन बाय क्यू, और यहां क्या लिखेंगे,
इन्फिनिटी बी माइनस वन इन्फिनिटी ए, ठीक है? ठीक है, दो फॉर्मूला हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। एक फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर आपको VAB निकालना हो तो डायरेक्टली आप अगर दोनों पॉइंट का आपको क्या दिया हो पोटेंशियल, आप डायरेक्टली उसको एक दूसरे से माइनस कर दोगे, आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। या फिर आपका वर्क डन अगर दिया हो तो ये आप निकाल सकते हो 1/3 W इंफिनिटी B माइनस W इंफिनिटी A। देखो समझने के लिए समझ लो, इतना डिटेल में क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं बस समझा दे रहा हूँ क्योंकि तुम स्मार्ट बच्चे हो, 10th में तुम्हारा दिमाग काफी अच्छे लेवल पर काम करता है, तो आई डोंट थिंक इसको समझने में कहीं से भी दिक्कत आएगा। तो व्हाट इज पोटेंशियल? पोटेंशियल इज अ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी इंडिविजुअल पॉइंट। एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम लोग को डिफाइन करना हो तो कैसे निकालेंगे? इसको लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, और इसी को लिख सकते हैं या ए टू बी लिखने से अच्छा है कि हम लोग 1.1 फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है? जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल के डिफरेंस को हम लोग निकाल लेते हैं या वर्क जो करना पड़ता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है? इजी है, अच्छे से एक एक बात को समझना है, लिखना है और ध्यान में रखना है, ठीक है? अभी भी मैं बता रहा हूं बहुत सारे बच्चों को पोटेंशियल को प्रॉपरली डिफाइन करने में दिक्कत आती है, क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाते, ठीक है? तो जो यहां से आपको सीखने वाली चीज है वो क्या है कि पोटेंशियल अगर आप निकालते हो तो वो एक पॉइंट का निकलता है, ठीक है? तो अगर हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, इन्फिनिटी टू गिवेन पॉइंट, जैसे पॉइंट ए हो गया, ठीक है? और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा हमारा वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अदर। मतलब यहां क्या हो गया, अगर हमें ए से बी में वर्क डन का डिफरेंस पर यूनिट चार्ज पता हो जाए तो ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस देगा, और यहां पे या तो ए नहीं तो बी, ठीक है? किसी भी पॉइंट पे जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकलेगा वो हमारा क्या देगा? पोटेंशियल देगा। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ऑल्दो फॉर्मूला दोनों का क्या होगा? सेम होगा, ठीक है? अब थोड़ा सा इसके यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? बहुत ही आसान है, ठीक, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है? तो सबसे पहले वापस से फिर उसी फॉर्मूला को देखते हैं। हम जान रहे हैं, ठीक है, कि VA क्या
है हमारा वर्क डन इंफिनिटी ए अपॉन क्यू, ठीक है। तो पोटेंशियल का जो यूनिट होता है एसआई यूनिट होता है ये वोल्ट, एसआई यूनिट क्या होता है इसका वोल्ट होता है। वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है जूल होता है, एंड क्यू का एसआई यूनिट क्या होता है कूलम होता है, ठीक है। तो वापस से इसको हम लोग लिख सकते हैं वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल डिवाइडेड बाय वन कूलम, ठीक है, आया ना। वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल अपॉन वन कूलम। वापस से फिर इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, सो वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज डिफाइंड एज व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। और यहाँ पे हमारा गिवन पॉइंट अगर ए है तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, समझो। सो बेसिकली हमारा पोटेंशियल क्या है, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल चार्ज। सो वन वोल्ट इज इक्वल टू वन जूल अपॉन वन कूलम, दैट मीन्स व्हेन वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल इज डिफाइन एज व्हेन वन जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग वन कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट इज नोन एज वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। बताओ यहां तक में कोई दिक्कत है? हमने डिफाइन कर लिया किसको, पोटेंशियल को भी डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया किसको और पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन किया, ठीक है। अभी देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ना मतलब पाथ फंक्शन नहीं होते, मतलब समझो बात क्या है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से इसको मतलब होता है। एनीवेज उसके डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, बस हम लोग इतना जानेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है वोल्ट होता है। यहां से नहीं से इसी फॉर्मूला से अगर हम लोग को वर्क निकालना हो कि टोटल वर्क डन कितना है, एक चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट ए पर लाने में टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, वी ए इंटू क्यू, ठीक है, यहीं से आया ये, तो ये क्या हो जाएगा वन जूल इज इक्वल टू वन वोल्ट इंटू वन कूलम, ठीक, ठीक है। जब एक वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को एक कूलम चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वन जूल ऑफ वर्क डन मिलेगा, है ये सेम चीज। अभी देखो जो न्यूमेरिकल आएगा वो किस तरह का आ सकता है, बहुत सिंपल है, ठीक। अगर आपको V दे दिया Q दे दिया और आपसे वर्क पूछेगा तो क्या आप नहीं निकालोगे हमेशा, ठीक है। जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल, बहुत सारा न्यूमेरिकल आएगा इसमें, जब भी हम लोग कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको पहले क्या करना है, सारे फिजिकल क्वांटिटी को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है सॉल्व करना है। अगर आपको पोटेंशियल दे देगा डब्ल्यू दे देगा तो क्या आप क्यू का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, इसी से इसी वाले से देखो एक और रिलेशन तुम्हें मिल जाएगा, क्यू इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन पोटेंशियल। क्या आपको वर्क डन रो पोटेंशियल देगा तो चार्ज नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकल जाएगा। यहीं से अगर तुम चाहो तो एक और से लिख सकते हो वन कूलम इज इक्वल टू वन जूल डिवाइडेड बाई वन, सारा चीज सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, समझ आ गया। तो ये है पूरा कहानी वर्क डन का। अच्छा देखो पोटेंशियल तो हमने पढ़ लिया, ठीक है, पोटेंशियल क्रिएट भी कर लिया, देख लिया कैसे निकलता, इसका मतलब क्या है पोटेंशियल क्रिएट क्यों किया, आप इसको जानेंगे, मेरी बात सुनो, ठीक है। पहले तो मैंने बता दिया सर पोटेंशियल पोटेंशियल ऐसे ऐसे होता है, हाँ, लेकिन इसका पर्पस क्या, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग,
क्या इसका रोल है कुछ इलेक्ट्रिसिटी में? ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में क्या कोई मदद करेगा? हाँ जी सर, बिल्कुल मदद करेगा। यही तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है। देखो अपने पास चार्ज है, चार्ज है अपने पास, वो चार्ज रुका हुआ है अपने किसी काम का नहीं, करंट के कॉन्टेक्स्ट में उस चार्ज को भगाना है। अब तुम समझो, हमने किया था एक सोर्स चार्ज, ठीक है, और एक छोटे से टेस्ट चार्ज को जबरदस्ती हम यहां से यहां लेकर आए, लेके आए, ठीक है। जैसे ही तुम इसको छोड़ोगे, तुम जैसे ही तुम इसको छोड़ोगे, ये जो टेस्ट चार्ज यहां आया ये अपने आप कहां भागेगा? इंफिनिटी की तरफ। मेरी बात समझो, चार्ज अभी तक, अगर ये चार्ज यहां है, क्या ये भाग रहा है? नहीं भाग रहा है, ये चुपचाप खड़ा है यहां पर बैठा हुआ। अब तुमने इस जबरदस्ती चार्ज को यहां तक लाया, छोड़ दिया, वापस से कहां चला जाएगा? ये इंफिनिटी। इसका बहुत नॉर्मल सा कोरोलरी तुमको पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मिलता है। जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, ठीक है, यहां पे एक बॉल रखा हुआ, ये बॉल यहां रखा हुआ, ये किसी का कुछ बिगाड़ रहा है? कुछ नहीं बिगाड़ रहा, ठीक है। अब इस बॉल को तुम जबरदस्ती वर्क करके कहां ले जाओगे? एक हाइट पे ले जाओ, एच पे, ठीक है। सो यू आर डूइंग अ वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशन। इस बॉल पे यहां ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लग रहा है, तुम जबरदस्ती ऊपर उठा रहे हो, मतलब यू आर डूइंग सम वर्क। चंद्रयान 3 देखते हो ना, रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है, जेट प्रोपल्शन में उसको उठाना और एटमोसफेयर से बाहर करना ही सबसे ज्यादा एक्सरसाइज होता है किसी भी रॉकेट के लिए, ठीक है। सो वहां जो वजन होता है वो अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। यहां पे भी तुमने इस बॉल को यहां से उठाया है ना, और यहां से एक टॉप हाइट पे ले जाए, और यहां ले जाने के बाद तुम क्या करो, इसको फ्री कर दो। जैसे ही तुम इस बॉल को फ्री करोगे ये वापस से कहां जाएगा? यहां से यहां ले जाने में तुमको वर्क करना पड़ा, बट ये अपने आप यहां से यहां क्या हो गया? क्यों? क्योंकि इस वाले बॉल के पास यहां पे अगर देखोगे इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है कितना, mgh हो जाता है। मतलब इस वाले बॉल में यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है? जीरो। लेकिन जैसे ही उठाकर तुम यहां ले जाते हो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है? mgh। सेम यहां है, यहां पे इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल एट इंफिनिटी चार्ज का कितना है? जीरो। लेकिन जैसे ही तुम इस चार्ज को यहां से यहां, मान लो पॉइंट ए है, तो यहां पे तुम्हारा जो पोटेंशियल चार्ज का हो जाता है कितना हो जाता है? ये हो जाता है। और जैसे ही यहां से तुम चार्ज को रिलीज करोगे किसी भी मीडियम से, अगर इसको भागने का मौका मिला तो ये क्या करेगा? ये भागेगा, वापस कहां पे जाएगा? इंफिनिटी। तो चार्ज को फ्लो करने के लिए हमें पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ता है। पोटेंशियल क्रिएट करो, चार्ज फ्लो करेगा। इसका एक और अच्छा सा एग्जांपल देते हैं, तब तुम्हें समझ में आएगा। बहुत इजी एग्जांपल है, तुम रिलेट भी कर लोगे इससे सारे लोग, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, तुम सारे लोग मोबाइल यूज करते हो, इवन तुम अभी जो लेक्चर देख रहे हो सर वो भी मोबाइल या लैपटॉप से देख रहे हो, एटैच से देख रहे हो। देखो अभी हमारे पास हर मोबाइल के अंदर एक बैटरी है, ठीक है। इसमें एक टर्मिनल यहां होता है और एक टर्मिनल यहां होता है। एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और एक को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तुम्हारे मोबाइल में जब तुम्हारा बैटरी, मान लेते हैं इनिशियली हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं, इस वाले टर्मिनल में, ठीक है, ये जो भी टर्मिनल है हमारा उसको इलेक्ट्रोड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारा जो टर्मिनल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं, सपोज करो इस वाले टर्मिनल पे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन यहां पे दिया हुआ है 10 to the power 20, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे दिया हुआ है 10 to the power 20। इलेक्ट्रॉन कितना है 10 to the power 20, प्रोटॉन कितना है 10 to the power 20। यहां भी ले लेते हैं इस वाले टर्मिनल पे भी, ठीक है। टोटल प्रोटॉन ले लिए 10 to the power 20, एंड टोटल इलेक्ट्रॉन ले लिए यहां पे 10 to the power 20। दोनों जगह नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? सेम। ये जो कंडीशन है, ये जो दोनों टर्मिनल पे चार्ज कंडीशन है, ये हो जाएगा तुम्हारा 0% बैटरी का, ठीक है। बैटरी कितना हो गया तुम्हारा? 0%। 0% मतलब है तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। जैसे ही तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ या 0% आता है, तुम क्या करते हो, ठीक है, मोबाइल को कहां पे कनेक्ट करते हो?
चार्जर से कनेक्ट कर दो, है ना। यहाँ पे एक प्लग लगा है ठीक है, और यहाँ पे एक सॉकेट होता है, इसमें तुम चार्जिंग करते हो। क्या करते हो? चार्जिंग करते हो। देखो तो चार्जिंग का मतलब क्या होता है, चार्जर क्या करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन है ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रॉन है इन सारे इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के कहां पे डाल देता है, नेगेटिव टर्मिनल पे। यानी कि थोड़े देर के बाद यही टर्मिनल के ऊपर में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितना रहेगा, 10^20 ही रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन को चार्जर उठा के कहां रख दिया, यहाँ पे। दिस इज वर्क डन बाय द चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहा है, वर्क डन बाय द चार्जर से हुआ, क्योंकि चार्जर ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ पे डाल दिया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया जीरो। इस वाले टर्मिनल पे अगर हम लोग बात करेंगे ठीक है, यहाँ प्रोटॉन अभी भी कितना रहेगा, 10^20, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल हो गया, 10^40 हो गया। मतलब अब ये टर्मिनल जो है ये टोटली क्या हो गया, हाईली निगेटिव, और ये क्या हो गया, हाईली पॉजिटिव। और अभी ये जो कंडीशन तुम्हारे मोबाइल में दिखाएगा, ये दिखाएगा तुम्हारा कि नाउ योर बैटरी फुल्ली चार्ज, 100% फुल्ली चार्ज। ये कंडीशन किसका हो गया, फुल्ली चार्ज। अब तुम बात को समझो, अगर तुम चार्जर नहीं लगाते तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां पे रखा जाता, नहीं। तो बेसिकली बाय कनेक्टिंग चार्जर टू द इलेक्ट्रिक बोर्ड, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बेसिकली डूइंग वर्क to bring electrons from this positive terminal to the negative terminal. You are doing work to bring all the electrons from this negative terminal to positive terminal. Once your battery is fully charged, तुम क्या करते हो, charger को हटा देते हो। क्या करते हो, charger को यहां से हटा दिया ठीक है, charger को हटाया और यहां से तुम मोबाइल को क्या करते हो, ऑन कर लेते हो। मतलब यहां पे तुम लोड अप्लाई कर देते हो, जैसे ही लोड अप्लाई करोगे यहां से सारा इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देगा, यहां से इधर आएगा और वापस यहां पे आना स्टार्ट कर देता है। यही तो चाहिए अपने को, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें क्या करना, हमको इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देना है। अगर इलेक्ट्रॉन भागना शुरू कर दिया अभी तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, हमारा काम पूरा हो गया। तो इलेक्ट्रॉन आएगा निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और जो हमारा करेंट जाएगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होता है इसका, किससे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। जो करंट हमारा जाएगा आई, वो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट। अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है तो करंट का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होता है, और पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन के सेम होता है। हमेशा याद रखना, दिस इज अ कन्वेंशन। पहले लोगों को लगता था, एंशियंट क्लासिकल फिजिक्स के पढ़ोगे, उनको लगता था कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता, इसलिए उन्होंने पॉजिटिव चार्ज और करंट का करंट डायरेक्शन सेम लिया था। बाद में पता चला कि एक्चुअली कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करता है। बट कन्वेंशन को कंटिन्यू रखने के लिए हमने डायरेक्शन को जो अपोजिट ले लिया, इससे कोई नुकसान तो है नहीं हमारा, है ना। तो इसलिए हम लोग पोटेंशियल क्रिएट करते हैं। जैसे ही इन दोनों के बीच वापस से अगर सारा इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, जैसे ही इन दोनों के बीच पोटेंशियल, जैसे यहां भी पोटेंशियल वी ए, यहां पोटेंशियल वी बी, जैसे ही दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, बैटरी वापस से 0% पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बोलते हैं हाई पोटेंशियल, पढ़ेंगे इसके बारे में। और इसको नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, लो पोटेंशियल। हमेशा याद रखिएगा, करेंट जो फ्लो करता है वो हमेशा फ्लो करता है कहां से कहां, ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो करता है कहां से कहां, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ठीक है। करंट यानी कि हाई पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल, लो पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये है पूरा पोटेंशियल का कहानी। पोटेंशियल का डेफिनेशन वाला पार्ट अलग है, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू एनी पॉइंट। लेकिन जो उसका रियल एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो ये है कि चार्ज को मूव करने के लिए
हम लोग पहले वर्क करते हैं और वही वर्क पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है, और वापस से जब सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन या चार्ज क्या है मूव करने लगता है। मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल क्रिएट करेंगे तभी चार्ज क्या होगा फ्लो करेगा। पोटेंशियल अगर जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। मतलब ये चीज समझ में आया कि अगर करेंट चाहिए तो पोटेंशियल क्रिएट करना पड़ेगा। ग्राउंड पे अगर बॉल है तो वो अपने आप मूव नहीं करेगा। अगर बॉल को अपने आप मूव कराना है तो बॉल को हमें ऊपर ले जाना होता है, फिर छोड़ देते हैं, वो अपने आप नीचे आता है। इसी तरीके से अगर चार्ज को फ्लो कराना है तो चार्ज को पहले उठा के हमें नेगेटिव टर्मिनल ले जाना होता है, फिर इसको छोड़ देते हैं तो वापस ये नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, अगर सर्किट क्लोज हो। ये है पूरा कहानी आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट या कुछ बचता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था कंप्लीट कहानी आपका पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का। इसके अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे रेजिस्टेंस के कहानी के बाद, जब करेंट पोटेंशियल और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझेंगे, फिर हम लोग आएंगे ओम्स लॉ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।